है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर कोशिश मुमकिन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? दरअसल हम उन बच्चों से आज मिलने आए हैं जो बच्चे अभी कुछ थोड़ी देर पहले रो रहे थे, अपने पालकों के साथ आए थे और बड़े बड़े सपने लेके आए थे कि अपने गांव से निकल के जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा लिखेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि इन बच्चों को न तो जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ जिन स्कूलों में पढ़ रहे थे वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने ये कहा कि आप लोग मधुपुर बगीचा आओ और वहाँ आप लोग को परीक्षा लिखना है जो, लेकिन यहाँ पे आके इनके साथ एक घटना घटती है कि न तो इनको परीक्षा लिखने दिया जाता है और न ही और कुछ होता है, मगर ये बच्चे वहाँ से सिर्फ इसलिए आए थे अपने पालकों के साथ, ये पहाड़ी कोरवा बच्चे हैं, वो बच्चे जिनके शिक्षा के लिए सरकार कहती है कि हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, ये बड़े सपने संजो के आए थे कि क्या यहाँ आए, और जिन मैडम ने इनको परीक्षा लिखने के लिए भेजा है ना तो उन्होंने इनको एडमिट कार्ड दिया ना तो कुछ दिया, लेकिन और अभी जब इनके पालक उनको फ़ोन लगा रहे हैं तो ना फ़ोन उठा रही है, रिसीव कर रही है ना, और उल्टे फ़ोन का स्विच ऑफ कर रही है। तो हम जानेंगे इन लोगों से कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इनका कहना है कि अभी दो चार बच्चे और चले गए जो उसी गांव मधुपुर से आए थे। मधुपुर एक विशुद्ध पहाड़ी कोरवा गांव है जहां पहाड़ी कोरवाओं के लिए आश्रम भी बनाया गया है, लेकिन लगातार इस तरह की चीज़ें की गई कि बच्चे अब उन सपनों को संजो के रखे हैं, और इनको छठवीं के प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय का परीक्षा लिखना था, मगर सरकार के दावे, अधिकारियों की लापरवाही, इन सब के बीच इन बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। धन्यवाद। मैं गौरव सिन्हा पुणे.com से। क्या हुआ था? मैम बोली कि जाओ बगीचा बोल के पेपर लिखना है बोल के, बाद में आए तो मैम भी नहीं आई ना सर भी नहीं आया कोई। अच्छा, तो वहाँ से क्या बोल के भेजा गया था? 30 तारीख को पेपर है बोल के, सब आ जाना बोल के। किस चीज़ का परीक्षा था? नवोदय का। हाँ। तीनों बच्चे नवोदय का परीक्षा लिखने आए हैं। हाँ। अब आप लोग कौन हो? लोग कोरवा जाति के। कोरवा जाति के, ठीक है। आप इनके कौन लगते हो? इसके भाई लगते हो। पिताजी लगते हैं। अच्छा। तो इतने ही बच्चे थे कि और बच्चे ऐसे वापस? और दो जन थे। और दोनों किस जाति के थे? एक जन कोरवा था और एक जन शायद गोंड था। तो उन दोनों बच्चों को भी परीक्षा लिखने नहीं दिया गया। और मैडम आप लोग का कॉल रिसीव नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। और वहाँ से क्या बोल के भेजी थी? बगीचा जाएंगे बोल के बोली थी। हाँ, यहाँ परीक्षा लिखना है कह के बोला। हाँ। तो मधुपुर तो एकदम बहुत बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। हाँ। बहुत किनारे वाला जगह है। तो अब कैसे करेंगे? क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो घर जाएंगे। तो ये तीन तीन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। ये लोग तैयारी किए होंगे ना परीक्षा? ये तो थे, अब घुसने नहीं देंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है प्रवेश पत्र। परीक्षा लिखवाना? क्या चीज़ का परीक्षा चल रहा था? वही गुरु फार्म भर रहे नवोदय विद्यालय का। तो अभी क्या हुआ? प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है, यहाँ से नंबर लिए वो कहाँ फार्म जमा करते हो, बोले फार्म जमा नहीं हुआ है। अच्छा। तो जिस शिक्षक ने कौन से गांव के हो आप लोग? छिछली रहा। अच्छा। तो जिस शिक्षक ने फार्म भरा था उससे आपने नहीं पूछा? पूछे तो बोले कि वहीं मिलेगा, जा वहीं मिल जाएगा। हाँ। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ के गुरुजी लोग बताए कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा तब फिर मिलेगा। अच्छा। ऑनलाइन निकलता है तो कंप्यूटर वाले बोले कि रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। हाँ। शिक्षक का क्या नाम है? नाम तो पता नहीं है, क्रिकेटा बोलते हैं। छिछलीरा कौन सा स्कूल? प्राथमिक शाला छिछलीरा। तो अब कैसे कीजिएगा, बच्ची को आप लोग परीक्षा लिखवाने आए थे, कैसे करेंगे? अब घर जा रहे हैं। हाँ।